और आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु की इन सीटों पर 10 जुलाई को आपको बता दें मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर, जिसमें कि रायगंज से टीएमसी की कृष्णा कल्याणी आगे हैं, राणाघाट दक्षिण से टीएमसी के मुक्तमणि अधिकारी आगे हैं, बागदा से टीएमसी के मधुपर्णा ठाकुर आगे हैं, इसके अलावा माणिकतला से टीएमसी की सुदीप्ति पांडे आगे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 3 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था। देहरा से कांग्रेस के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री सुक्खू की जो पत्नी है कमलेश ठाकुर, वो इस वक्त आगे चल रही हैं। नंबर 2 पर बीजेपी के होशियार सिंह हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा आगे हैं, कांग्रेस के पुष्पिंदर वर्मा पीछे हैं। नालागढ़ से कांग्रेस के हरदीप बाबा आगे हैं, बीजेपी के केएल ठाकुर पीछे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें यहाँ पर तो मंगलौर सीट से कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं, और उत्तराखंड की बद्रीनाथ से, वहाँ उस सीट से कांग्रेस के लखपत बुटोला आगे हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत चुनाव जीत गए हैं। बिहार के रुपौली से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा से कांग्रेस के धीरन शाह आगे चल रहे हैं और बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह इस वक्त पीछे चल रहे हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर विक्रवंडी से डीएमके के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जालंधर वेस्ट में आम आदमी पार्टी को बड़े अंतर से जीत मिली है। जीत के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से बात की हमारे सहयोगी गुरप्रीत ने, आइए सुनते हैं। क्यों पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी इकलौती देश में ऐसी पार्टी है जितनी गारंटियां देती है उन गारंटियों को समा रहते पूरा करती है। हमारी गारंटी थी पंजाब में कि हम बिजली मुफ्त देंगे, तो हमने गारंटी पूरी कर दी। ये वादा था ना, हमने 4 साल बाद थोड़ी पूरा किया, हमने पहले 3 महीने में पूरा किया। हमारी गारंटी थी कि पंजाब के युवाओं को रोजगार देंगे, तो हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में वादा पूरा किया। तो हमने जितनी गारंटियां दी थी हम उसको एक एक करके पूरी कर रहे हैं, इसीलिए पंजाब के लोग हमारे साथ खड़े। तो शीतल उमराल पहले आम आदमी पार्टी में, वो वहां गया, कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी लेसन सिखाया कि जो पार्टी बदलते हैं, दल बदलू है, उनको नहीं देंगे। बिल्कुल, जो दल बदलू हैं या जो पार्टी को धोखा देते हैं स्टेट के लोग उनको रिजेक्ट करते हैं। आज स्टेट के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने ये संदेश जो है उनको दे दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2022 में सीट जीती थी, तब कम मार्जिन था, तब मार्जिन कम था, अब तो मार्जिन जो है वो 4 गुना 10 गुना बढ़ गया। तो लोकसभा में रिजल्ट कुछ और है, आज कुछ और है, इसको कैसे देखते बस? देखिए, तब देश के प्रधानमंत्री का चयन हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री की चयन हो रही थी, तो अब तो एक पंजाब में पंजाब सरकार के कामों को लोग देख रहे थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस पे मोहर जो है पंजाब के लोगों ने लगा दी। आम आदमी पार्टी की जलंधर बायपोल में जीत के बाद हम देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है। ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो यहाँ आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुँच चुके हैं। उसी टाइम यहाँ पे लगातार सेलिब्रेशन हो रही है। और हम जो सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी के लीडर्स का ये कहना है, कहीं ना कहीं जो लोगों ने हमें ये मैंडेट इसलिए दिया है क्योंकि हमारी जो काम करने की पॉलिसीज है उसको एक्सेप्ट किया है। सो ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के ऑफिस से दिखा रहे हैं कि लगातार यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है और लगातार इस चीज़ पे जो उनकी यहाँ पे विक्ट्री हुई है जलंधर पे, तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो उनकी पॉलिसी है, जो उनने काम किए हैं, उन्होंने लोगों ने रेकोगनाइज किया है, और रेकोगनाइज करने के बाद लगातार उनको वोट मिली है। और ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन ये दर्शाता है कि पीपल आर स्टिल हैव ट्रस्ट इन आम आदमी पार्टी, एंड उसके कारण इन्होंने लगातार जो वोट है, जो वोट टर्न आउट हुआ, और जो लीड है, लीड का मार्जिन है, वो कहते हैं ये चीज़ें दर्शाती है कि कैसे पॉलिसीज वहाँ पे लोगों को पसंद आई है। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना, 4 NDTV चंडीगढ़।